श्री गणेशाय नमः। ओम जपाकुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि देवाकरम। ओम सूर्य देवाय नमः। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रेट एमएस वॉइस में। सूर्यदेव भगवान की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर हमेशा बने रहे। जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से सूर्यदेव भगवान मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं और साथ ही मान सम्मान, धन यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। तो आइए गौरी पुत्र गणेश सूर्य देव भगवान का मन में ध्यान करके पूरे भक्ति भाव और प्रसन्नचित मन से श्रवण करते हैं रविवार व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्य उदय होने से पहले ही उठकर बुढ़िया माई स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लेपकर स्वच्छ कर देती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर भगवान सूर्य देव का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया माई को किसी भी प्रकार की कोई चिंता एवं कोई कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उनका घर धन धान्य से भर रहा था। उन बुढ़िया माई को सुखी होते देखकर उनकी पड़ोसन उनसे जलने लगी। बुढ़िया के कोई गाय नहीं थी, उन्होंने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, इसीलिए वे अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी हुई गाय का गोबर लेकर आती थी। उसी गोबर से वे अपने घर को लीपती थी। फिर पड़ोसन ने कुछ सोचा और अपनी गाय को घर के अंदर ही बांधना शुरू कर दिया। रविवार को गोबर ना मिलने की वजह से बुढ़िया माई अपना आंगन नहीं लीप पाई। आंगन ना लीपने की वजह से उन बुढ़िया माई ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया, क्योंकि उनका नियम था कि वह सबसे पहले अपने आंगन को गोबर से लीपती थी, उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करके उन्हें भोग लगाती थी, उसके बाद ही स्वयं खाती थी। क्योंकि उनका यह नियम नहीं पूरा हुआ, इसीलिए वे भूखी प्यासी ही सो गई। प्रातः काल सूर्य उदय से पूर्व उस बुढ़िया माई की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना देखकर तुरंत उस गोबर को उठा लिया और अपने घर लेकर आई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्य उदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को अपने पास लेकर आती थी और वहां पर अपनी गाय का गोबर रख देती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया माई पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चलाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया माई ने गाय को घर के अंदर बांध लिया। सुबह उठकर जब बुढ़िया माई ने सोने का गोबर देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया माई गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया माई कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया माई के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह से जल भूनकर राख हो गई
और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेजा। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके भी आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया माई को इस तरह प्रार्थना करते देखकर उस पर बहुत करुणा आई, बहुत दया आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से पूरी तरह भयभीत राजा ने सुबह उठते ही गाय और बछड़े को बुढ़िया माई को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करेंगे। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। रास्ते में चारों ओर खुशहाली छा गई तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। निःसंतान स्त्रियों की गोद भर गई। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। हे सूर्यदेव भगवान, जैसे सुखी जीवन आपने बुढ़िया माई को दिया, ऐसा ही जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति, मान सम्मान, धन यश तथा उत्तम स्वास्थ्य, कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी मनुष्यों को देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। तो प्रेम से बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय। उम्मीद करती हूँ हमारे द्वारा सुनाई गई कथा आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में सूर्यदेव की जय जरूर लिखेगा और आगे भी हमारे द्वारा कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सूर्यदेव, आपका मंगल हो।